आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी स्टाइल मटन, ग्रेवी वाला मटन बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए मटन। ये मैंने मटन ले लिया है, ये आधा पाव किलो से ज़रा बढ़ते हैं ये। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट और दो दालचीनी के चकले दो टुकड़े एंड धनिया जीरे का पाउडर। पहले हम इसके बाद हमें एक तो मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप कर लेनी है और धनिया के पत्ते चाहिए थोड़े से और हरी मिर्च 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक स्लिट्स में काट लेना है और थोड़ा सा करी पत्ता। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये जो मटन है अब हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे गलने के लिए। और अब हम इसमें ये सभी मसाले ऐड कर देंगे। ये सभी मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें आधी गिलास पानी डाल देंगे और हम उसे प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें 6 से 7 सीटी नहीं आ जाते हम इसे कुक करेंगे। तब तक 6 से 7 सीटी में हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। हमें इसे पूरा गला लेना है, 90% तक गला लेना है। हमारा अच्छे से गल चुका है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी कुकर में हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सेम कुकर में हमने 3 to 4 स्पून ऑफ ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसमें जो प्याज हमने कट करके रखा था वो ऐड कर लेंगे, साथ ही ग्रीन चिलीज को भी देखिए मैंने स्लिट्स में कट कर दिया है वो भी ऐड कर लेंगे। प्याज को हम हल्की सी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें धनिया और करी पत्ता ऐड कर देंगे। हम डोलने के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करी पत्ता और धनिया भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब जो हमने मीट बनाया था वो मीट हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी में अब हम थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड करेंगे, कौन सा भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं रेडीमेड। आप चाहे तो इसमें 2 से 3 स्पून ऑफ दही भी ऐड कर सकते हैं अच्छे से फेंट कर, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा, बट मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसी में अब हम जो टू से थ्री स्पून ऑफ वाटर ऐड करेंगे। सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको जस्ट एक सीटी देंगे जिससे हल्का सा ये प्याज सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा ग्रेवी टाइप बन जाए। इसीलिए हम जस्ट एक सीटी देकर बंद कर देंगे। ये देखिए मटन हमारा पक के रेडी हो चुका है। अच्छे से देखिए बढ़िया सा ऑयल भी आ चुका है ऊपर और प्याज हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई है जिससे ये थोड़ा ग्रेवी वाला बन गया है। इसे आप सर्व कर सकते हैं नान की रोटी के साथ या रुमाली रोटी के साथ, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।